हेलो गाइस, वेलकम टू सनशाइन हिंदी टैरो। उम्मीद करती हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए। चलिए देखते हैं। तो आप अपने पर्सन पर फोकस करें, यूनिवर्स पर फोकस करें, उनसे कनेक्ट हो जाएँ ताकि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। और ध्यान रखिएगा, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो जितना रीडिंग आपसे मैच होती है आप उतना लें, जो नहीं होता है उसे इग्नोर करें, ओके। और किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग बिल्कुल भी फ्री नहीं होती, चार्जेबल होती है। और दिए गए नंबर पर सिर्फ मुझे व्हाट्सएप करें, फ़ोन कॉल्स बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए देखते हैं, अब हम आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या सोच रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपके पर्सन के लाइफ में आखिर चल क्या रहा है, क्या हो रहा है। हाय गॉड, मेरे व्यूअर्स में जस्ट प्लीज गाइड मी, जो मेरे व्यूअर्स के पर्सन हैं क्या हो रहा है उनकी लाइफ में, प्लीज गाइड करें मुझे। टेम्परेंस, ओके। आपके पर्सन बैलेंस बनाना चाहते हैं अपने वर्क, अपने फैमिली के बीच, आप दोनों के बीच, बट नहीं बना पा रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं। ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं, आपको मिस करते हैं, आपको अपने लाइफ का स्टार मानते हैं, आपके बिना काफ़ी ज़्यादा खुद को अधूरा फील कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा हर्ट पहुँचा है इन्हें किसी चीज़ से। ये पर्सन मुझे आपको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बैलेंस करते हुए, बैलेंस बनाना चाहते हुए दिखाई दे रहे हैं, बट बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, जिसकी वजह से पर्सन हर्ट है, बहुत ही ज़्यादा हर्ट है, बुरी तरह से हर्ट है। आपके साथ एक न्यू बिगनिंग ज़रूर करना चाहते हैं। आई थिंक आपके पर्सन को ना कुछ तो हेल्थ इशूज हो रहा है, या इनके फैमिली में से किसी को हेल्थ इशू हो रहा है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आई थिंक आपके पर्सन ने या तो अपनी न्यू शुरुआत कर लिया है, अपनी एक न्यू बिगनिंग कर लिया है किसी के साथ। वहाँ ये पर्सन बैलेंस बनाना चाहते हैं बट नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं, खुद को स्टक पा रहे हैं, आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं, एनजाइटी फील कर रहे हैं, डिप्रेस्ड हैं, ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं ये पर्सन। मुझे ये भी दिखाई दे रहे कई लोगों के लिए कि इस पर्सन ने आपका दिल दुखाया है, आपको हर्ट पहुंचाया है, आपको धोखा इन्होंने दिया है और किसी से मैरिज कर ली है इस पर्सन ने, या दोनों के बीच थर्ड पार्टी लाया है। वहाँ पर इस पर्सन को बुरी तरह से चोट पहुँच रही है, थर्ड पार्टी की तरफ से इनको भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट पहुँच रहा है, मुझे कुछ ऐसा भी दिखाई दे रहा है। आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, एक न्यू शुरुआत चाहते हैं, दिखा नहीं रहे हैं ये जनाब, ये दिखा ऐसे रहे हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट पर्सन है, ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन है, इनमें इमोशंस नहीं है बट इनमें इमोशंस है। आपको इन्होंने ब्लॉक किया हो, ऐसा कुछ हो सकता है, तो आने वाले दिनों में ये आपको ब्लॉक अनब्लॉक कर सकते हैं, ब्लॉक अनब्लॉक का गेम खेल सकते हैं आपके साथ। आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, तो देखिए कई लोगों के लिए ये पर्सन न्यू बिगनिंग करेंगे, आपके साथ एक न्यू शुरुआत करेंगे, आपको प्यार का प्रपोजल दे सकते हैं, इनकी तरफ से मिल सकता है। आप दोनों के रिलेशनशिप में मुझे एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए दिखाई दे रहा है। आई थिंक मेरे कई व्यूअर्स ने खुद पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया है, सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दिया है, आपने खुद को संभाला है काफ़ी अच्छे से ना, आपने खुद की रिकवरी की है। अगर आपने सेल्फ लव किया है तो मैं आपको बता सकती हूँ कि ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि जब आप खुद को चेंज किए तो ये पर्सन भी चेंज हुए, जब आप खुद की वैल्यू करना सीखे तो ये पर्सन भी आपकी वैल्यू करना सीख गए हैं, आपकी वैल्यू कर रहे हैं। इनको ये भी रिग्रेट हो रहा है कि इन्होंने आपको कितना तकलीफ दिया है,
इन्होंने आपको कितना पेन दिया है, इस पर्सन को रिग्रेट हो रहा है। आप दोनों मुझे सेपरेटेड दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं पर्सन। आई थिंक इनको कुछ तो हेल्थ इश्यूज भी हो रहा है। ये पर्सन मुझे अपने सिचुएशन में स्टक दिखाई दे रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं आपको लेकर। इनमें इनसिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा हो रही है, इनको लग रहा है कि ये पर्सन आपको खो रहे हैं या खो देंगे, कुछ ऐसा डर इनको लग रहा है। बट वहीं ये पर्सन कुछ एक्शन भी नहीं ले रहे हैं, लेना चाहते हैं बट नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि ना इनमें वो करेज वो हिम्मत मैं नहीं देख पा रही हूँ। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे आप दोनों के बीच दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी कास्ट रिलीजन हो सकता है, थर्ड पार्टी इनका फैमिली हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। थर्ड पार्टी जिस सिचुएशन में ये पर्सन स्टक है, वहाँ से निकलना चाहते हैं बट नहीं निकल पा रहे हैं, स्टक हैं ये पर्सन और आपके साथ दूरियाँ बना रहे हैं। मेरे कई व्यूअर्स के लिए मैं कहना चाहूँगी कि आप दोनों का न्यू बिगनिंग होगा, ये पर्सन न्यू बिगनिंग ज़रूर करना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक हो रहे हैं आपको लेकर। और मेरे कई व्यूअर्स के लिए ये पर्सन स्टक है अपनी सिचुएशन में। देखिए यहाँ पर ये पर्सन स्टक हैं और यहाँ पर ये पर्सन जगल कर रहे हैं, ना ये पर्सन आपको छोड़ना चाहते हैं ना ये पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं। इनको दोनों चाहिए, आप भी चाहिए, थर्ड पार्टी भी चाहिए, जगल कर रहे हैं ये पर्सन। थोड़े से इमैच्योर मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैच्योरिटी इनमें नहीं है। यहाँ पर आया है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस एरीज लियो सैजिटेरियस कैंसर स्कॉर्पियो पिसेस। काफ़ी ज़्यादा उदास हैं, परेशान हैं, सब ठीक करना चाहते हैं आप दोनों के लाइफ में। इनको ये भी रिग्रेट है कि इनको रिग्रेट होता है आपको हर्ट पहुँचाने का, आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखने का। इनको रिग्रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, सब सही करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे हैं, उसका रिग्रेट है। अगर ये पर्सन अनमैरिड है तो आपके साथ ज़रूर मैरिज करना चाहते हैं, शादी का प्रपोजल देना चाहते हैं। एबेंडेंस, आपके पर्सन यस आपसे प्यार करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपसे ये पर्सन राइट नाउ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लव फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा उमड़ उमड़ कर इनके दिल में आपके लिए प्यार आ रही है। बट ये पर्सन थोड़े से स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, थोड़े से ये पर्सन प्रैक्टिकल हो रहे हैं कि नहीं मुझे तो प्रैक्टिकल ही बनना पड़ेगा, अगर मैं इमोशनल हुआ तो सही नहीं होगी, कुछ इस तरह आपके पर्सन को लग रहा है। बट मुझे नहीं लग रहा है कि ये पर्सन ज़्यादा दिनों तक प्रैक्टिकल रह पाएंगे, इनके दिल में इमोशंस है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा, और आने वाले समय में ये पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। और आपके पर्सन एक न्यू बिगनिंग चाहेंगे, अगर ये थर्ड पार्टी में है तो थर्ड पार्टी से निकल कर आना चाहेंगे आपके पास, एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहेंगे। कॉम्प्रोमाइज़ आपसे चाहेंगे कि आप इस पर्सन को माफ़ कर दें, आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। कई लोगों के लिए ना मुझे यहाँ पर दो ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट ग्रुप में ये कह सकती हूँ कि ये पर्सन थर्ड पार्टी से निकल कर टोटली आपके पास आएंगे, आपको मैरिज का प्रपोजल देंगे, ये पर्सन आपके साथ एक न्यू शुरुआत करेंगे। और सेकेंड ग्रुप के लिए मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन चाहेंगे आपसे कि आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, ये पर्सन को आप भी चाहिए थर्ड पार्टी भी चाहिए, तो आप इस पर्सन को समझें और आप कॉम्प्रोमाइज़ करें। ये पर्सन आपको इमेजिन करते हैं, मुझे थर्ड पार्टी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जो आपके पर्सन का माइंड वॉश करते हैं, आपके पर्सन को डरपोक बना रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन में हिम्मत नहीं है यार आपके लिए लड़ने के लिए। चलिए देखते हैं इस सिचुएशन में यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। मेरे साईं बाबा आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओम साईं राम। शिक्षा, जीवन एक पाठशाला है, शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। तो जो कुछ भी आपने इस सिचुएशन से सीखा है, अपने लाइफ से सीखा है, आप इससे कुछ सीखिए, एक्सेप्ट कीजिए जो आज आपके लाइफ में हुआ है, सीखिए, कुछ लेसन की तरह लीजिए इस लाइफ को, इस सिचुएशन को लेसन की तरह लीजिए और आप आगे बढ़िए अपने लाइफ में।
करुणा, पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखिए, उन्हें अन्न दीजिए, तो आप पशु पक्षियों को खाना दीजिए, अपना हेल्पिंग केयरिंग नेचर बनाए रखिए। विपुलता, जल्द ही आप विपुलता को उपहार ग्रहण करेंगे। वाह क्या बात है, मेरे कई व्यूअर्स आई थिंक अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मेरे बहुत से व्यूअर्स ने ना सेल्फ लव करना सीख गया है, तभी आपके साथ ये हो रहा है, तभी आप इन्हें अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्योंकि रीयूनियन कब होता है पता है, जब हम खुद पर फोकस करते हैं। तो मेरे बहुत से व्यूअर्स ने खुद पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया है, सेल्फ लव करना सीख गए हैं, तो आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही है, एबेंडेंस आ रही है, आपके पर्सन आ रहे हैं, कोई न्यू पर्सन भी आ रहे हैं, आपके पास चॉइस होगी कि आप किसे लेंगे, न्यू पर्सन को कि एक्स को, किसे लेंगे आप, आपके पास चॉइस होगी। जब आपने सेल्फ लव करना सीखा ना, जब आप सीख गए तो यूनिवर्स की तरफ से आपको गिफ्ट मिलने वाला है, और वो गिफ्ट होगी पास्ट एंड न्यू पर्सन।